फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी तक जो हम लोग अपनी जीएसटी की सेल्स दिखलाते थे और उस सेल्स के अंदर जो हमारा B2C का सेल्स होता था, यानी कि वो सेल्स जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई डिटेल्स जो है वो डालने की जरूरत नहीं होती थी। डिटेल्स जैसे आपका जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सारी डिटेल्स, इनवॉइस का डेट, ये सब चीजें आप पोर्टल पे कहीं नहीं डालते थे। इसका डेटा गवर्नमेंट के पास कहीं भी नहीं जा रहा था। अभी तक ये हो रहा था। अब 1 सितंबर 2023 से क्या होगा? 1 सितंबर 2023 से जो आप जीएसटी की सेल्स करेंगे और वो सेल्स आपके B2C कैटेगरी की होगी, उसका डेटा भी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली अब मंगवा रही है। इनडायरेक्टली आपका डेटा गवर्नमेंट के पोर्टल पे आइदर तरीके से, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से अब पहुंचने जा रहा है। तो अब आप लोगों के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है कि जब भी आप B2C की सेल्स करें तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग जो है वो आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे GSTR1 के अंदर वैल्यू वाइज जो है वो डालनी है। सर, ऐसा क्या हो गया है? मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने 1 सितंबर से ऑप्शन अब दे दिया है, मेरा बिल मेरा अधिकार। ये क्या है ये आप समझिएगा। लेट सपोज एक सप्लायर है ए, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये एक कस्टमर आता है इसके पास बी, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो हाउस होल्ड है, मतलब बिजनेस नहीं करता है, सैलरीड क्लास का बंदा है। अब ये जो ए है इस बी को, लेट सपोज एसी सेल कर रहा है, एसी ये सेल करता है और एसी की वैल्यू है 80,000 रुपीज। ठीक है, 80,000 रुपीज इस एयर कंडीशन की वैल्यू है जिस पे जीएसटी लगा हुआ है 18%। 80,000 के ऊपर 18% का जीएसटी जो है वो भी लगा हुआ है। तो अब होगा क्या, इस पे जीएसटी 14,400 का लगा हुआ है और टोटल अगर करेंगे तो ये 94,400 का बिल वैल्यू जो है वो बन के आएगा। अभी तक क्या होता था, ये जो सप्लाई हुई है, ये जो वैल्यू है 80,000 रुपए जिसपे 14,400 की लगी हुई है जीएसटी का इम्प्लीकेशन, इसे इस सप्लायर को अपने GSTR1 में, अपने GSTR1 के टेबल नंबर 7 जहां पर B2CS की वैल्यू जाती है वहां डिस्क्लोज करना पड़ता था। ये चाहे, ये सप्लायर अगर चाहे तो उसको रिपोर्ट ना भी करे, कम वैल्यू से करे, जैसे मर्जी करे, कर ले, कोई वैसी दिक्कत नहीं आती थी। गवर्नमेंट के पास प्राइमा फेसी कोई ऐसा चेक करने का मैकेनिज्म नहीं था, क्रॉस रिकंसाइल करने का मैकेनिज्म नहीं था। अब यहां पर कुछ हद तक गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म आने जा रहा है। कैसे? अब गवर्नमेंट ने आपको तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको एज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो सेक्शन 37 में बातें लिखी गई हैं, उसमें यह लिखा गया है कि आपको इनवॉइस लेवल डिटेल डालने की जरूरत है ही नहीं, तो आपको तो कुछ कह नहीं सकती। अब गवर्नमेंट आई है इन परचेजर्स के पास। अब इन परचेजर को क्या कहा गया है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्या बोला जा रहा है, भैया तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तुमने जीएसटी के अंदर कोई भी सप्लाई ली है, चाहे वो गुड्स की है, वो सर्विसेज की है, आप क्या करो, आप उसका टैक्स इनवॉइस लो, यानी कि इस टैक्स इनवॉइस की कॉपी आप देंगे अपने कस्टमर को। इस टैक्स इनवॉइस में आपका जीएसटी नंबर होगा, उस इनवॉइस की डेट होगी, उस इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू होगी, उस इनवॉइस की जीएसटी का फिगर होगा उसमें, और उस इनवॉइस का टोटल वैल्यू यानी कि इनवॉइस वैल्यू दिया होगा। ये 5 डेटा उस इनवॉइसेस के अंदर अवेलेबल होंगे। अब यहां पर गवर्नमेंट ने ये कहा है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये जो परचेजर है, इस परचेजर को एक ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है, इनको एक पोर्टल अवेलेबल करा दिया गया है और उस पोर्टल पे ये बताया गया है कि आप जो भी जीएसटी के अंदर परचेजेज करते हैं, जो भी आप जीएसटी के अंदर परचेजेज करके लेके आते हैं,
उस परचेज का बिल, यानी कि ये जो 84,000 का 94,000 का बिल था, इस बिल को अपलोड करेगा ये परचेजर। ऐसा क्यों करेगा ये परचेजर? ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि जैसे ही ये बिल अपलोड करेगा, इसके पास एक चांस आ जाएगा। किस चीज का चांस? लकी ड्रॉ में पैसे जीतने का चांस। गवर्नमेंट इनको, परचेजर को कहती है कि आप जीएसटी का बिल लेंगे तो हम आपको लकी ड्रॉ निकाल करके आपके लिए इनाम की राशि जो है वो बताएंगे। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो परचेजर है, अब जो भी सामान खरीदेगा, आप एज अ सप्लायर, आपको वो बिल के लिए डिमांड करेगा, आपको बिल उसे देना होगा और ये बिल आप इस पोर्टल पे अपलोडेड हुआ पाएंगे इस कस्टमर के द्वारा। अब गवर्नमेंट के पास क्या डेटा पहुंच गया? अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन यहां पर मांगी गई है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं यहां पर किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है जीएसटी के बिलिंग का, जिसमें आपका जीएसटी नंबर, आपका इनवॉइस नंबर, ये सारा का सारा डेटा जो है ये पोर्टल कैप्चर करेगा और इसी डेटा के आधार पे गवर्नमेंट अब फर्दर एनालिसिस कर पाएगी कि आपका जो ये जीएसटी नंबर है, यानी कि जो सप्लायर का जीएसटी नंबर है, उस नंबर पे B2C के सेल्स जो अपलोड किए गए और जो आपकी रिटर्न्स में आ रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है और दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आ रहा है। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर इनका मोबाइल एप्लीकेशन का यूजर मैनुअल, इसके साथ साथ जो वेबसाइट है, वो सारी चीजें देखिए। यहां पर इनवॉइस के लिए आपका स्टेट का नाम, फाइनेंशियल ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके बाद जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ इनवॉइस, ये सारा डेटा जो है वो अब कैप्चर किया जाएगा इस पोर्टल के अंदर। तो ऐसा कोई भी डेटा जो अभी तक आपके रिटर्न्स के थ्रू गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था, वो अब इस पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो अपने पास कैप्चर कर सकती है। तो इसीलिए अब आपको सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क होने की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि जैसे ही ये चीजें 1 सितंबर से लागू कर दी जाएंगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना टैक्सेस के साथ इंक्लूडेड है, आपने जीएसटी का अमाउंट उसमें इंक्लूड किया है या अलग से शो किया है, वो सारी बातें। तो ये स्कीम जो लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर इंसेंटिवाइजिंग कंज्यूमर्स ऑन अपलोडिंग जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस फ्रॉम B2C सेल्स इनवॉइसेस फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज अट्रैक्टिंग जीएसटी, इसके अंदर ये सारी बातें आपको अब देखने को मिलेंगी। यहां पर आप देखेंगे तो सप्लायर का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सब अलोंग विथ डेट ऑफ इनवॉइस, उसके बाद जो डेट ऑफ इनवॉइस है उसमें टोटल अमाउंट कितना है इंक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्सेस के साथ जो है वो कितना अमाउंट आपका बन के आ रहा है, मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि आपने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट किस तरीके से किया है, इसका भी डिटेल्स जो है वो गवर्नमेंट अब यहां पर आपसे मांग रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है जीएसटी पोर्टल के अंदर मेरा बिल मेरा अधिकार के नाम से स्कीम ले आई है गवर्नमेंट। अब आपको अपने B2C के ट्रांजैक्शंस एप्रोप्रिएटली रिपोर्ट जो है वो करना होगा, अदरवाइज यहां आपके लिए परेशानी आ सकती है। परचेजर के लिए भी, जो वो परचेजेस कर रहा है उसका रिकॉर्ड अब गवर्नमेंट पोर्टल पे इस स्कीम के माध्यम से जा सकता है। तो परचेजर्स के लिए और सेलर्स के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन भी है और दोनों के लिए एक सतर्क होने वाली बात भी है कि एक्चुअल डेटा जो है आपके रिटर्न्स के अंदर, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर अब जाना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और ये बिल मेरा अधिकार का बेनिफिट जो है सब कोई ले सके। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारा YouTube चैनल GST प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। अगर आपको GST के अंदर फुल कोर्स यानी कि एडवांस्ड कोर्स पूरे कंप्लीट डिटेल्स के साथ चाहिए
तो आप हमारा जीएसटी का एडवांस कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस दी जाएंगी, जिसके अंदर आपको जीएसटी से रिलेटेड हर एक टॉपिक, चाहे वो सप्लाई का मीनिंग हो, आरसीएम से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन आपका है, सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन है, कैंसिलेशन है, रिवोकेशन है, अलॉन्ग विथ लाइव फाइलिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस, वो सारी बातें बताई गई हैं। वैल्यूएशन के क्या रूल्स है जीएसटी में, डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट आपको करना पड़ता है जीएसटी के अंदर, वो सारी बातें। टाइम ऑफ सप्लाई आपका जीएसटी पेएबल कब होता है, टैक्स का पेमेंट करने का मोड क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, टीडीएस और टीसीएस के क्या प्रोविजंस है, वो सारी बातें। जीएसटी रिटर्न्स क्या कहता है, 2A क्या होता है, 2B किस तरीके से GSTR 3B आप प्रैक्टिकल फाइल करेंगे, GSTR 1 टेबल वाइज प्रैक्टिकल फाइलिंग अलोंग विद प्रोविजंस, GSTR 9, GSTR 9C, GSTR 4 किस तरीके से फाइल होगा, सबका प्रैक्टिकल सेशंस भी आपको इसमें दिया जाएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम की अगर बात करें तो कॉम्पोजिशन में आप कब जा सकते हैं, क्या आपके लिए बेनिफिट्स है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इनवॉइसेस कब बनाना है, ई इनवॉइस की टाइम लिमिट क्या है, ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी क्या है, ई इनवॉइसिंग के अंदर एग्जम्पशंस कब मिल जाती है, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स के लिए भी आपको हर एक बात यहां समझ में आएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये सारी बातें यहां पर आपको बताई जाएंगी। ई वे बिल के क्या प्रोविजंस है, कब निकालना है, कब एग्जम्पशंस है, स्क्रूटनी असेसमेंट एंड नोटिसेस का किस तरीके से आप हैंडलिंग करेंगे, ऑडिट डिमांड एंड रिकवरी एंड जीएसटी के क्या प्रोविजंस हैं, अपील फाइलिंग, पेनल्टीज, रिफंड अलोंग विद लाइव फाइलिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई और प्रैक्टिकल सेशंस ऑन वेरियस जीएसटी रिटर्न्स। तो इतना सारा कुछ अलोंग विद अमेंडमेंट क्लासेस आपको सारा कुछ दिया जाएगा विद एक साल की वैलिडिटी। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।